नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। अभी हमारे साथ हैं झाझा के सामाजिक कार्यकर्ता, मारवाड़ी युवा मंच झाझा के नी वर्तमान अध्यक्ष एवं बिहार प्रांत के मारवाड़ी युवा मंच के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के संयोजक अमन शर्मा जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया सर, बढ़िया। अमन जी, आप रक्तदान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जी। इस कार्य के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आप कब से ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, मारवाड़ी युवा मंच के साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, आफ्टर 12th। और लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, ब्लड की केसेस हम लोगों के पास आता था। और मारवाड़ी युवा मंच क्या है कि हमेशा से ब्लड डोनेशन उसका एक मेजर पार्ट रहा है उसके कार्य क्षेत्र का। तो छोटी उम्र से ही देखते थे कि रिक्वायरमेंट बहुत है ब्लड को लेकर के, पेशेंट्स का डिमांड बहुत है। तो वहाँ से थोड़ा सा एक जागरूकता सी आई, लोगों को देखते थे कि परेशान है रक्त के अभाव में, और हमारे क्षेत्र में कोई आप कह सकते हैं कि ब्लड बैंक वगैरह कुछ नहीं है जहां से आसानी से ब्लड उपलब्ध हो पाए लोगों को। तो सीधा सा है कि एक प्रॉब्लम दिखा और उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन खोजने निकल पड़े, सीधी सी बात। जहां तक बात है कब से कर रहे हैं, तो कर रहे हैं बहुत पहले से, मान के चलिए 2012-13 के समय से कर रहे हैं। एक डायरी होती थी उस समय, तो उस पर लिख करके 10-12-15 लोगों के नाम हम लोग रखते थे, और जब जब ऐसा कोई ज़रूरत पड़ता था तो उनको फ़ोन करके बुलाना करना। और एक बार मैं बाहर था झाझा से, और उस समय केस का रिक्वायरमेंट आ गया, तो वो जो डायरी थी वो मेरे पास नहीं थी। उस समय समझ में आया कि यार एक काम करते हैं, एक व्हाट्सअप का ग्रुप बना लेते। तो 2017 में फिर एक व्हाट्सअप का ग्रुप मैंने बनाया, और इनिशियली उन्हीं 10-15 लोगों को जोड़ा उसमें जो मेरे डायरी में हुआ करते थे लोग। और फिर ये धीरे 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 करके आज के डेट में भी हमारे पास मिनिमम 150 कैंडिडेट्स तो रहते ही हैं डेली अवेलेबल हमारे पास। इसमें क्या करते हैं आप लोग, मतलब कि किस प्रकार से लोग को इसके लिए जागरूक करते हैं या किस प्रकार से लोग को इसके लिए लाते हैं? देखिए, अवेयरनेस ये भी एक पार्ट है इसका, लेकिन आप इसको सीधे सीधे एक वॉलंटरी डोनेशन कैंपेन समझ लीजिए कि जहाँ पर प्रॉब्लम जिसको है, जिसको आवश्यकता है ब्लड की, वो हमारे पास पूछते हैं ब्लड के लिए। हम देखते हैं कि वो सेम ग्रुप का ब्लड हमारे पास हमारे किसी कैंडिडेट का है कि नहीं है, वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। निःशुल्क ये पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है। हम लोग जो भी पेशेंट है उसका पानी तक नहीं पीते। आप ये मान के चलिए कि हम उससे उसका 10 रुपये का पानी का बॉटल भी हमारे लिए गलत है, तो हम वो पानी भी अपने साथ कैरी करते हैं या ख़रीद के पीते हैं। और हमारा जो भी ग्रुप के जो भी लोग हैं हमारे, वो वहाँ पर जा कर के अपना ब्लड डोनेट करते हैं। हाँ, अवेयरनेस भी हम लोग फैलाते हैं, उनको फैमिली के अंदर भी ब्लड डोनेशन करने के लिए जागरूक करते हैं, जो कि ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बाहर से ही आपको ब्लड मिले, पेशेंट के घर में भी कितनी बार ऐसे लोग होते हैं जो दे सकते हैं पर देना नहीं चाहते हैं या उनको जानकारी का अभाव है। बहुत बार हम लोग जमुई में या बाहर में भी ब्लड बैंक से कनेक्ट उनको करवाते हैं, क्योंकि बहुत ये जानकारी का अभाव के कारण ही होता है बेसिकली। तो हम लोग उनको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू देते हैं कि आप इस प्रकार से जाइए, जांच करवाइए, आप सैंपल लेकर के ब्लड बैंक जाइए, वहाँ पर बात कीजिए। कितनी बार हम लोग साथ में कॉल्स पे भी ब्लड बैंक के साथ भी जुड़ जाते हैं कि प्लीज़ आप इनकी मदद कीजिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ को या अवगत नहीं है चीज़ों से, इस तरह से। अब तक कितने लोगों की जान बचाई है आप लोगों ने? देखिए, जहाँ तक मेरे पास नोटेड है तो अराउंड, क्योंकि डोनेशन सिर्फ झाझा से संबंधित तो होता नहीं है, बहुत बार हम लोग जमुई में भी डोनेट करवाते हैं, देवघर में डोनेट कराते हैं, पटना में डोनेट कराते हैं, ये भी चैनल है पूरा। तो कुल मिला करके अगर सिर्फ सूबे की हम बात करें, पूरे इलाके की हम बात करें, तो अराउंड 700-800 पीपल, 700-800। कुछ लोग के नाम बताइए जो इस कार्य में आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, बहुत सारे लोग हैं बिना जिनके ये संभव नहीं हो पाता कि आप इतने बड़े काम को इतने सुचारू रूप से इतने लंबे समय तक चला पाएँ। तो सर्वप्रथम एक जमुई के हैं हमारे सुमन भैया, देवघर के हैं मयंक राय, पटना में हमारे आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शक कहें या अभिभावक कहें, मुकेश सारिका जी, जिनको देख करके कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत वो भी रहे थे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। मंच परिवार हमेशा खड़ा ही रहता है। टोटल हम लोगों की 700 से ऊपर की मारवाड़ी युवा मंच की शाखाएं हैं पूरे देश में। तो हर एक मंच का साथी कहीं ना कहीं समर्पित है इस चीज़ को लेकर के, कि अगर आप बैठे बैठे कहें कि बम्बई में ब्लड चाहिए, बैंगलोर में चाहिए, पंजाब में चाहिए, तो वहाँ पर भी एक बार कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे मंच के लोग हैं। और जहाँ तक बात है कि झाझा के जो युवा
लोग हैं जो जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल कुंदन विश्वकर्मा, अंकुर घोष, विकास बर्णवाल बेकरी वाले हैं, एक अंश भैया हैं बेकरी वाले, फिर चंचल शाह जी हैं एक, और आप एक अभिषेक भैया हैं, मतलब समय समय पर बहुत सारे लोग हैं। एक अभी अपने जो सांसद हैं वही नाम के हमारे साथ भी एक जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई, उनका अरुण भारती नाम है उनका, तो अरुण भारती हमारे साथ भी एक जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार ब्लड डोनेशन का काम, और आगे से चल के कहते हैं कि भैया हमें मौका कब मिलेगा, हम वो बहुत टाइम हो गया दिए। कितने लोग तो बेसिकली 90 दिन के बाद ही आप ब्लड डोनेट करते हैं, एक बार डोनेट करने के पश्चात तो 90 दिन पूरा भी नहीं होता है कि फ़ोन करना शुरू, भैया कब होगा। तो इतने जागरूक लोग हैं तभी ये काम पूरा चल पा रहा है, तो ये सारे लोग थे जिनकी मदद से ये काम हो पा रहा है। अच्छा, झाझा एक छोटी जगह है, इस जगह पे ऐसे कार्य को करने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है कुछ? देखिए, परेशानी तो इस शब्द के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, जब आप झाझा जैसे क्षेत्र में रक्तदान की बात करते हैं ना, तो परेशानी तो इसके साथ ही चलता है। परेशानी क्या है कि सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, ब्लड बैंक जमुई है। अब वैसे स्थिति में आपको यहाँ पर वॉलंटरी डोनेशन कराना, उसके लिए जो सुविधाएं होती हैं वो अरेंज करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था कुछ सालों पहले कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड बैंक्स में ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि अगर सबको हम छोड़ दें कि जमुई जा करके ब्लड लाए और अपने घर वालों की जान बचाए, तो कितने लोग इसमें अपने लोगों को खोएंगे। तो इसी कारण से परेशानी तो है कि ना तो वो जो पाउच अवेलेबल हो पाता है आसानी से, जांच में परेशानियां होती हैं, और टेक्निकली आप कहें तो जो ब्लड डोनेशन कर रहा है मेरे हिसाब से वो बंदा हीरो है, इतना बेहतरीन कार्य है, शरीर से निकाल के खून दे दे रहे हैं आप और लोगों की जान बचा रहे हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनको एक अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। और यहाँ पर होता उल्टा है हमारे साथ कि हमें छुप के बिना फोटो खींचे इस प्रकार से इस काम को करना होता है कि हम कितनी बड़ी गलत काम को, कितने बड़े गलत काम को अंजाम दे रहे हैं, जबकि कोई मॉनेटरी बेनिफिट हम आज तक इससे लिए नहीं है, कोई भी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, नॉट इवन अ सिंगल पेनी हम इससे ऊपर लिए हों किसी से या कुछ भी हुआ हो। ये सीधा सीधा एक सोशल कॉज के लिए काम करना है जहाँ पर आप अपना पैसा लगाते हैं। 50 केसेस ऐसा है जहाँ पर मेरा सेल्फ पैसा लगा है, पेशेंट्स के पास पैसा ही नहीं होता है और आप उस परिस्थिति में उसको छोड़ नहीं सकते, तो खून के साथ साथ जो दवाई का खर्चा है, जो उसका जांच का खर्चा है, वो तक हम लोग बियर करते हैं, और उसके बावजूद क्या है कि जो डोनर है उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है। नहीं तो एक एक डोनर को विधायक को माला पहनाना चाहिए जो जान बचाने का काम हमारे इलाके में कर रहे हैं, लेकिन छुप छुपा के करना पड़ता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से लीगल नहीं है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन भाई, लीगल हो नहीं हो, सीधी बात करूंगा आपके सामने, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को केस मिलेगा कि लोगों की जान बचानी है, आप बचाइए, मैं बचाऊंगा। आपको इसको किसी भी दृष्टि से देखना, आप देखिए, आपको कोई भी एक्शन लेना आप लीजिए, आई डोंट केयर। अच्छा, झाझा में आप इतनी परेशानियां बता रहे हैं, तो क्या इस मुद्दे को लेके आप कभी यहाँ के विधायक सांसद से बात किए, वो लोग क्या जवाब दिए? देखिए, टेक्निकली जहाँ तक बात है विधायक की, तो हमारे माननीय विधायक श्री दामोदर राव जी हैं फिलहाल, और 15 उनका कार्यकाल रहा है एज अ विधायक हमारे इलाके का। बहुत बार अप्रोच किया मैंने उनको, बहुत बार अप्रोच किया है, उनके आवास पे भी जाके मिला हूँ, वो हमारे मारवाड़ी वुमेंस के जो कैंप हम लोग स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं सुइया पहाड़ पे, कांवरिया सेवा शिविर, उसमें भी उनका आना जाना होता रहता है, अच्छे संबंध है हमारे। लेकिन जब जब मैंने इस विषय में उनसे बात की है, मुझे कोई कंक्रीट आंसर उनसे आज तक नहीं मिला है। बातें घूम जाती हैं, कभी कभी वो प्रयास करते भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपने स्तर से प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन हाँ, प्रयास, उस प्रयास को हम प्रयास नहीं कर सकते जब तक उसका फल नहीं दिखे, और 15 लग जा रहा है एक विधायक को प्रयास करके फल निकालने में, तो आप समझ सकते हैं कि प्रयास कैसा हुआ होगा। और साथ में सांसद की बात आपने की, तो चिराग, माननीय सांसद चिराग पासवान जी रहे, उनसे भी अच्छा संबंध है, मुलाकात भी हुई है कितनी बार, उनसे भी बात मैंने की है। अब ये आप कह सकते हैं कि उनका जो कार्यकाल रहा, पिछला कार्यकाल, वो उनके पारिवारिक दृष्टिकोण से या पॉलिटिकल दृष्टिकोण से उतना बेहतर नहीं रहा। वो काम तो उन्होंने झाझा के लिए किया है, ये नहीं कह सकते नहीं किया है, केंद्रीय विद्यालय है, पुल है, ओवरब्रिज का काम है,
और भी बहुत सारे काम हैं उनके, बट इस सेक्टर में मेरी उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। उम्मीद है कि बात होती तो हो जाता काम अभी तक, बट नहीं हो पाई। उनका बिजनेस था थोड़ा, सांसद हैं भाई तो मिलना मुश्किल होता है थोड़ा। अभी हमारे माननीय सांसद नए हैं अरुण भारती जी, तो प्रयास ज़रूर है उनसे मुलाकात करने का और इस काम को हम लोग करवाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अगर झाझा में ब्लड बैंक हो जाए तो इससे झाझा को क्या फ़ायदा होगा? जमुई में तो खैर है, लेकिन झाझा को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, झाझा को सीधा सीधा फ़ायदा होगा कि अभी पेशेंट्स जो झाझा के लोकल पेशेंट्स हैं या और भी जो इंटीरियर या आउटस्कर्ट्स जो हम लोग कहते हैं उधर के जो पेशेंट्स हैं, उनको कवर करके जमुई पहुंचना, ब्लड सैंपल लेना, मतलब जांच कराना, ब्लड लेके ट्रैवल करना या पेशेंट को वहां तक ले जाना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है क्योंकि इंटीरियर्स का रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा नहीं है। तो वैसे स्थिति में एक ब्लड बैंक अगर यहाँ हो जाए तो जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जो आउटस्कर्ट्स के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, वो लोग आसानी से झाझा में अवेलेबल कर पाएंगे सुविधा को। साथ ही साथ जो मेरे जैसे लोग हैं, जो डोनेटर्स हैं, जो डोनर्स हैं बेसिकली, तो उनके पास भी एक स्थान होगा जहां पर वो बाइज्जत ब्लड डोनेट करें, जिसका वो प्रचार प्रसार कर सकें, एक फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे लगा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें और खुद में भी उनको अच्छा लगेगा कि वो काउंट हो रहा है। एटलीस्ट आप डोनेट कर रहे हैं ब्लड तो उसका एक काउंट होना चाहिए। टेक्निकली हम 25 बार के ब्लड डोनर हैं। 25 बार मैंने अभी तक ब्लड डोनेट किया अपनी लाइफ में, पिछले एक महीने पहले भी किया तो 25 बार हो गया। तो 25 बार से मेरे पास 25 बार का प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि एक बार किसी के एम्बुलेंस में छुप के कर दिया, एक बार किसी के क्लिनिक में छुप के कर दिया, एक बार किसी के घर में छुप के कर दिया। तो इस प्रकार से तो बहुत सारे डोनर्स हैं जो काम तो हम लोगों के क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई वो वजूद नहीं है कि आप डोनर हैं और आप इतना अच्छा कॉज के लिए काम करते हैं। तो बेनिफिट तो झाझा में ब्लड बैंक होने से बहुत ज़्यादा होगा, जो लोगों की जाने जाती हैं वो जाने नहीं जाएंगी। आप लोग सिर्फ झाझा में ही ब्लड उपलब्ध करवाते हैं या फिर अन्य क्षेत्र में भी? नहीं, अब मैंने भी आपको बताया कि झाझा सिर्फ झाझा नहीं है, पूरा जमुई ज़िला, टीम जमुई में भी है, सुमन सौरभ हैं जमुई में, मयंक राय देवघर में हैं, पटना में मुकेश भैया हैं और साथ ही साथ मारवाड़ी युवा मंच के 700 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरे इंडिया में कहीं भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक बार प्रयास ज़रूर करते हैं कि वहाँ पर हमारा कनेक्ट हो और हम उसको अवेल कर पाएँ, उस सुविधा को वहाँ से ले पाएँ। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि पूरे देश में कहीं भी अगर परेशानी किसी को आई है और हमारी नज़र में चीज़ें हैं, अगर हमसे कनेक्ट करते हैं, और झाझा के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कभी वेलोर से कॉल आता है, झाझा के ही पेशेंट्स जाते हैं, दिल्ली से कॉल आता है, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, तो अवेलेबल हो जाता है, ऐसे कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति आप लोग से ब्लड लेने के लिए कनेक्ट करे या फिर ब्लड देने के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहे तो फिर वो किस माध्यम से करेगा? देखिए, सीधी सी बात है कि मेरा पर्सनल नंबर है 860-313-1914 और व्हाट्सअप भी इसी नंबर पर है। तो जो लेना चाह रहे हैं ब्लड, जो परेशानी में है, तो वो भी कॉल कर लें। और बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा ये होता है कि भाई जो पर्चा डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है जिसमें है कि भाई ब्लड का रिक्वायरमेंट है, वो आप हमें भेज दें, पेशेंट का जाँच का रिपोर्ट हमें भेज दें, हम प्रोसेस में ले लेते हैं उसको और पहले वेरीफाई करते हैं केस को कि केस सही है या गलत। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस पेशेंट के यहाँ प्रॉब्लम है, पेशेंट के घर वाले ही 5 लोग हैं पर ब्लड देना नहीं चाह रहे, तो वैसे केसेस में हम उनको समझाते हैं कि आप खुद से ब्लड डोनेट करें, अदर देन दैट हम लोग उसको प्रोसेस में ले लेते हैं। और कोई अगर जुड़ना चाहता है कि हमारे साथ जो झाझा ब्लड डोनर्स बोल करके हमारा एक ग्रुप चलता है उसमें जुड़ना चाहता है तो भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर वही है 860-313-1914, हम आपको ब्लड के व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ लेंगे और दैट विल बी इनफ, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक ऐसी बातें चलती है कि झाझा के कुछ डॉक्टर आपको देखना नहीं चाहते, इस पर आप क्या कहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, सच्चाई तो है। बेसिकली कुछ डॉक्टर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, उम्र में ज़्यादा हैं मुझसे और परेशान हो जाएंगे तो नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ लिटरली कुछ डॉक्टर्स हैं झाझा में जो अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं तो उनको डॉक्टर्स बतौर संबोधित भी नहीं करता हूँ, ये फॉर्मल टॉक्स है तो डॉक्टर बोल दे रहा हूँ, नहीं तो शायद मैं किसी और नाम से संबोधित करता हूँ उनको। वो डॉक्टर्स नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, और गरीब का पैसा किस प्रकार से घींचा जा रहा है, उनके खून को चूसा जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मेरे को देखते हैं कि भाई अमन शर्मा पहुँच गया है, इसको पता चला है केस का, या फिर
पेशेंट के घर वाले फ़ोन किए हैं इसको, तो ये अगर आ गया है हमारे कैंपस में मतलब कि हमारी कमाई ख़त्म हो गई है। ये जांच भी सस्ते में करवाएगा या अपना पैसा से करवाएगा, ब्लड भी फ्री में दिलवाएगा कैसे ना कैसे करके, तो फिर वो कहीं ना कहीं पेशेंट को परेशान करना शुरू करते हैं कि आप इनसे बात ना करें या जो भी है। तो हाँ, परेशान तो होते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो परेशान होते हैं। हाल ही में आप लोग निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मेडिकल बस द्वारा सब जगह शिविर लगाए थे, क्या ऐसी कार्य और भी भविष्य में देखने को मिलेगा? देखिए, बेसिकली ये जो मेडिकल बस का स्वास्थ्य शिविर था, ये एक मारवाड़ी युवा मंच का इनिशिएटिव था, क्योंकि पर्सनली हम मारवाड़ी युवा मंच के बिहार प्रांत के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं, तो उसका भी एक कार्य क्षेत्र रहता है, तो उसमें भी लग करके काम करना पड़ता है। तो वो एक इनिशिएटिव हम लोग लिए थे कि पूरे बिहार में हम लोगों ने तकरीबन 24 जगहों पर वो ऑर्गेनाइज़ किया था कैंप, और 24 जगहों में कुल 12,000 लोगों को उसका लाभ मिला था। पूरे बिहार में 12,000 लोगों को लगभग निःशुल्क जाँच, उसमें दाँत का जाँच, आँख का जाँच और नॉर्मल फिजिशियन, एक्सरे, ECG, ये सारी सुविधाएं थी। तो ये कैंप झाझा में भी हम लोग करवाए थे, और झाझा में भी 2 दिवसीय कैंप था जिसमें तकरीबन 650 लोगों को सुविधा मिली थी इसकी। बिल्कुल, इस कैंप के लिए फिर बात चल रही है, और एक कैंसर का भी वैन, जांच का वैन भी आने की बात चल रही है, जो कि मारवाड़ी वोमेंस के बैनर तले हम लोग लगाएंगे, और उसमें हम लोग मात्र 100 रुपये में कैंसर का भी जाँच करवाने का प्रयास करेंगे। आप मारवाड़ी युवा मंच के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तो आप ये बताएं कि मारवाड़ी युवा मंच की जो संस्था है ये किस प्रकार के कार्य करती है? देखिए, मारवाड़ी युवा मंच बेसिकली ये अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, ये ऑल इंडिया लेवल की एक संस्था है, जिसमें कि हर एक प्रांत में इसका एक डिवीज़न हेड होता है, जिसको जैसे हम बताएं आपको कि बिहार प्रांत है, झारखंड प्रांत है, तो तकरीबन 22-23 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। अब उस प्रांत के नीचे जब हम लोग पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं तो ब्रांचेस के हिसाब से भी काम करते हैं, जिसमें झाझा एक शाखा हो गई। जैसे तो मैंने पहले भी कहा कि लगभग 700 से 800 ब्रांचेस हमारे पूरे देश में हैं, और हम लोग अलग अलग प्रकल्पों पे काम करते हैं, जैसे कि रक्तदान हो गया, और ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन का अवेयरनेस हो गया या करवाना भी हो गया, उसके बाद में अपने अमृत धारा बोल करके एक स्कीम है जिसमें हम लोग प्याऊ लगाते हैं जगह जगह पर, चिलर मशीन, झाझा में भी 3-4 चिलर मशीन युवा मंच का चल रहा है, और इसके अलावा कन्या भ्रूण संरक्षण और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सजग करने का भी एक प्रोग्राम है, उसके बाद बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी युवा विकास का कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं कि कैसे बच्चों को हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को अभी से ही समझाना और सिखाना शुरू कर सकें। तो युवा मंच हेल्थ सेक्टर में बहुत काम कर रही है, और कोई अगर प्राकृतिक आपदा आती है जैसे फ्लड है, ड्रॉट्स है, अभी ट्रेन का हादसा जैसे कुछ दिन पहले बंगाल में हुआ, तो वहाँ भी किशनगंज की टीम हमारी पहुँच चुकी थी, वहाँ भी ट्रेन रुकी थी या कुछ लोग वहाँ पर आए थे, तो उनका खाना पीने का व्यवस्था, तो इस प्रकार का बहुत सारा काम है जो युवा मंच लगातार करती आ रही है बहुत सालों से। और उसी का एक पार्ट है कि हम लोग सुइया पहाड़ पर सावन के महीने में पिछले 33 सालों से कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन भी करते आ रहे हैं, और ये इस साल भी हम लोग उसको लगाने जा रहे हैं, वो 34वां साल हो जाएगा हम लोगों का। तो वहाँ की भी सेवा किसी से छुपी नहीं है कि पूरे सावन माह हम लोग बैठ करके जो हमारे बम भाई जाते हैं देवघर पूजा करने, उनको हम लोग निःशुल्क सेवा प्रोवाइड करते हैं। आप सेवा शिविर की बात किए, तो इस बार के सेवा शिविर में क्या कुछ विशेष रहेगा? देखिए, अभी क्या है कि मैं तो निवर्तमान अध्यक्ष हो चुका हूँ, वर्तमान में आयुष बंका हमारे शाखा अध्यक्ष हैं, और पहली बार उनके अध्यक्ष कार्यकाल में कैंप लगने जा रहा है। मेरा कार्य था 3 साल का, जिसमें 2 साल कैंप हम लोग लगाए। हाँ, इस बार यह है कि एक नई पीढ़ी है, नई जोश के साथ ये लोग काम करेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन ज़रूर रहेगा, मैं खुद भी रहूँगा वहाँ पर। तो जो भी सुविधाएँ पिछले बार तक हम लोग देते आ रहे हैं उतनी सुविधाएँ तो रहेंगी ही, उसके साथ साथ कुछ मसाजर्स की व्यवस्था हम लोग स्पेसिफिक करने जा रहे हैं, जो बम्बई चल के आते हैं उनके पैरों की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है, तो ऐसे तो हमारे पास गर्म पानी का कुंड होता है, वाइब्रेटर मशीन होती है, मालिश होता है, एक्यूप्रेशर होता है, इसके साथ साथ एक मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर हम लोग थोड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं इस बार, थोड़ा डिजिटल जा रहे हैं, और टेक्निकल जो मसाजर्स आते हैं उसका उपयोग हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। साथ ही साथ CCTVs को लेकर के बहुत बातें हुई हैं वहाँ पर कि चोरी वगैरह हो जाती है कभी कभी, तो CCTV लगाने की बात है पूरे कैंप में, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है तो डिफ़िकल्ट टास्क है,
वो भी करेंगे, और भी कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। सारी अभी चीज़ें बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। किस वर्ग के लोग ज़्यादा ब्लड का मांग करते हैं? देखिए, बेसिकली गांव देहात के लोग जो हैं वो ज़्यादा डरते हैं, उनको जानकारी का भी थोड़ा अभाव होता है। और अगर आप वर्ग की बात करें तो डिलीवरी पेशेंट्स महिलाएं जो हैं हमारे क्षेत्र में, ये मेजर केसेस है। 70-75% केसेस आता है डिलीवरी पेशेंट्स का ही, कि उनको ब्लड की आवश्यकता है। और रीज़न भी इसके पीछे है कि उनको अवेयरनेस नहीं है। गाँव देहात में महिलाओं को ज़्यादा खटाया जाता है, खिलाया कम जाता है, और यही सब कारण है कि उनका ब्लड का कमी हो जाता है। अवेयरनेस नहीं है। अगर आप समय समय पर जांच कराएं तो इससे काफ़ी आसानी होगी। अच्छा, ब्लड की आवश्यकता तो होती है, बट क्या कुछ ऐसा बता सकते हैं कि उससे बचा कैसा जाए, कि ब्लड की आवश्यकता ना पड़े? देखिए, कोई डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं है हम, बट जो भी वर्क एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं इस क्षेत्र में जो है 12 साल से लगभग, तो उसमें यह है कि पहली बात तो ये है कि जब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जब आपको पता चलता है कि प्रेग्नेंट हैं, तो एक नॉर्मल सा जांच है हेमोग्लोबिन का, वो आप 2-1 महीने पे करवाते रहिए पहले, तो कि उससे एक हम लोग को स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि भाई कितना कम बेसी ब्लड हो रहा है बॉडी में। और अगर दिखता है कि बॉडी में कम बेसी हो रहा है ब्लड, तो उस क्षेत्र उस समय में आप क्या कर सकते हैं, एक अंजीर आता है, अंजीर जानते होंगे, वो किसी भी मेवे की दुकान पर आपको मिल जाएगा, छल्ले जैसा होता है रस्सी का, केले की तरह सूखा हुआ होता है उसका वो फल। तो आप अंजीर को निकाल करके पानी में रात में फुलाएं और सुबह उस पानी को फेंक दें, अंजीर को चबा चबा कर खाएं। गर्म होता है ये बेसिकली, तो बहुत गर्मी के समय में आप इसका उपयोग ना करें, मौसम थोड़ा सा अच्छा रहे तो आप ज़रूर खाएं। और ऐसे भी रात भर अगर आप भिगो देते तो उसकी गर्मी निकल जाती है, तो आप भिगो करके अगर सुबह खाते हैं, कोई भी महिला, नॉर्मली सिर्फ प्रेग्नेंट महिला ही नहीं, नॉर्मल महिला भी जिनको शरीर में दर्द है, ब्लड की कमी है, और जेंट्स भी अगर ब्लड की कमी है, तो आप अंजीर का सेवन करें। अगर आप अंजीर का सेवन 1-2 अंजीर रोज़ खा लेंगे सुबह, तो कैसा भी आपको अनीमिया तक भी होगा ना, वो भी बहुत हद तक वो कवर करा देगा। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं जी, तो दर्शक को ये बताएं कि रक्तदान करना क्यों आवश्यक है? देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ब्लड डोनेशन अच्छे काम के लिए कर रहे हैं और उससे हमारी बॉडी में भी बहुत कुछ अच्छा होता है। बेसिकली आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका एक जांच हो जाता है कि आपका पर्सनल हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है, तो एक तो आप अपने बारे में भी अवेयर हैं कि मेरा स्टेटस क्या है। उसके साथ साथ अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो मतलब तकरीबन 90-100 दिन पे दोबारा रिसाइकल होते रहते हैं। तो अगर आप 90 दिन पे ब्लड दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आप ओल्ड ब्लड दे देते हैं और नया सेल्स बनना शुरू हो जाता है, दैट इज़ अ पॉइंट। दूसरा कि अगर आप रेगुलर डोनेट करते हैं, रेगुलर डोनर हैं, तो ये रिसर्च में और वो देखा गया है कि उनको हार्ट संबंधित समस्या, हृदय संबंधित समस्या जो है वो ना के बराबर होती है। जो रेगुलर डोनर्स हैं वो कभी भी हार्ट अटैक से नहीं जा सकते यहाँ से। आप सिर्फ रक्तदान या रक्त कोष्ठ के कार्य तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं खुद को, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं झाझा के लिए? देखिए, अभी सोशल एक्टिविस्ट हैं, खुद को सेल्फ ओरिएंटेड सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि लोग तो मानने को तैयार नहीं हैं, ठीक है। तो खाली ब्लड डोनेशन या फिर ब्लड बैंक झाझा में हो जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए, ऐसा नहीं है। ये एक पार्ट है जो प्ले कर रहे हैं, और वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोग कोई 60 साल कोई 80 साल के रेंट पर यहाँ दुनिया में आया हुआ है जी। आप 80 साल के हो सकते हैं, मैं 60 साल के रेंट पे हो सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग किराए पर हैं यहाँ पर। तो किराए पे रह रहे हैं तो कुछ सफल काम, कुछ अच्छा काम करें, इसको बेहतर बना के यहाँ से जाएं तो बेहतर है। और प्रोफेशनली मैं गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एडवाइजरी में कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे पास पर्सनली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पर मैं कुछ प्रपोजल तैयार करके अपने ज़िले के लिए, झाझा के लिए कुछ कुछ करने की इच्छा रखता हूँ, और कुछ कुछ प्रपोजल्स मैंने बना भी रखे हैं जिसको लेकर के मैं आगे जनप्रतिनिधि से मिलने भी वाला हूँ। और अगर चीज़ें ऊपर वाले के दया से वर्कआउट करती हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 5,000-7,000 लोगों को ज़िला में रोज़गार मिल जाएगा, क्योंकि रोज़गार की समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। आप एक वार्ड कमिश्नर से लेकर के माननीय सांसद के मुंह से भी ये शब्द सुन लेंगे कि रोज़गार की स्थिति, हमारे CM साहब भी कहते हैं कि रोज़गार की स्थिति, तो रोज़गार पर बात तो सब करते हैं,
बट वर्क करने का समय आ गया है कि किस प्रकार से उसको हम लोग धरातल पे लाएंगे। तो मेरा प्रयास छोटा सा है, बहुत बड़ी बात मैं नहीं करना चाहता आपके शो में, क्या बहुत बड़ी बड़ी बात करके गया हूँ, लेकिन हाँ प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ कि एक दो प्रपोजल है मेरा जिस पर मैं काम किया है मैंने, अगर वो वर्कआउट कर जाता है तो नो डाउट 7,000-10,000 लोगों को जिला में रोज़गार मिलेगा। फार्मर्स की इनकम डबल तो नहीं बट एटलीस्ट 1.5 टाइम्स हो सकती है, और बहुत सारे स्मॉल क्लस्टर्स फार्म और नॉन फार्म सेक्टर में हम लोग जोड़ सकते हैं। और इस पर बात मेरी पहले भी चिराग पासवान जी से हुई है, हमारे माननीय सांसद से हुई थी, और फिलहाल तो अभी सांसद हमारे बदल गए हैं, लेकिन बात मैं करूंगा, उनसे भी बात करूंगा और इसको धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए। फॉर्मल टॉक्स के पूरे टीम की ओर से आपको धन्यवाद, और आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके लिए भी फॉर्मल टॉक्स के पूरे टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, और धन्यवाद आप लोगों को भी कि आप लोग कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दे रहे हैं कि लोग आकर के अपनी बातों को यहाँ पर साझा कर सकते हैं, और जो झाझा के अंदर की छोटी छोटी समस्या है जिसको अगर हम लोग एक चैनल के माध्यम से पटल पर रखेंगे तो ज़रूर रिजॉल्व होगी चीज़ें और झाझा आगे बढ़ेगा। तो सब आप लोगों को बहुत बड़ा धन्यवाद कि इस प्रकार का काम आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।